इन हाथों ने न जाने कितने बुजुर्गों की चिल्मों में अंगारे भरे हैं। कुछ अंगार यहां भी छलका दीजिए मिस्टर साजन, रोमांस की चिल्में ठंडी सी पड़ गई हैं। जी वेल ऑल आई एम सेइंग मिस्टर साजन कि आप मुझे कस के गले लगा लीजिए और मुझे भींच लीजिए। श्योर मैडम, श्योर। मिस्टर साजन, आपने मुझे क्या समझ क्या 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 समझ के दबोचा था मिस्टर साजन? क्या बदतमीजी है और आप कहां घुसे चले जा रहे थे ये? मिस्टर साजन जी, क्या हरकत है आपकी? आप क्या कर रहे थे मेरे पापा के साथ? झूठ बोले कौवा। I'm sorry मैडम, मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं कि मेरे पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। तो वो आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने छेरी सर को अपने पापा समझ के पकड़ लिया था। मैडम आपको पता है मैं मौत के इतने करीब था, दिस क्लोज, सी कैसे देखेगा ये आदमी। ओके पापा, प्लीज काम डाउन और प्लीज आप मिस्टर साजन को उनके केबिन तक पहुंचा दीजिए। ओके बेटा, ओके, डोंट डू एनीथिंग मिस्टर साजन। ओके आइए सर, मैं छेदी के साथ आ जाता हूँ, आप चलिए। ओके सर, आपने मुझे याद किया सर, छेदी ऊपर ले चलिए। आइए सर, सर सर हेलो, कौन बोल रहे हैं ये? बहुत अच्छे, मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया तुमने अब। हाँ नहीं वो, हेलो नहीं बीबी, यहाँ पे बहुत आवाजें हो रही थी ना, बात कर रहे थे लोग, इसलिए सुनाई नहीं दी आवाज। सही, आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है तुमने। पूछियो री कश्मीरा उससे कि आज ये अचानक काली पट्टी क्यों बांधी है? क्यों आज ये अचानक काली पट्टी क्यों बांधी है? ये ना, मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये शको शुबा की हवा कौन भर रहा है, ठीक है? मुझे आ गई आवाज है। फालतू की बातें मत करो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। अगर ठीक है तुम्हारा ये सवाल है ना, तो मेरा जवाब ये है कि भाई मैंने अपने पूर्वजों की पवित्र आत्मा की शांति के लिए व्रत रखा है। मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे। क्या यही आंखों पे पट्टी वट्टी बांधते हुए? तो ये कोई रोज रोज थोड़ी ना रखता हूँ मैं, ये दिन साल में एक दिन आता है भाई। ओ हेलो, जहाँ तक मुझे पता है ना, जब से शादी हुई मैंने तो ऐसा व्रत करते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा। तो जब 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 मैंने पहले रखा है तो उस वक्त पे तुम लोग कहीं या तो बाहर गए हुए थे या मैं कहीं बाहर था ऑफिस के चक्कर में, तो यार नहीं देख पाई होगी ना बेबी तुम। तो अभी तो हम सामने ही है ना, हमें बाहर भेज के कर लेते ये व्रत। अब तो ये अपना, मेरे सवाल का जवाब दो मिस्टर साजन अग्रवाल। क्यों 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 दो भाई, मैं कश्मीरा अग्रवाल क्या? मैं व्रत भी अब क्या तुम्हारे हिसाब से रखूंगा क्या? जब मुहूर्त होगा तब व्रत रखूंगा। मुहूर्त के हिसाब से चलेंगे ये? अच्छा, बड़ा मुहूर्त मुहूर्त कर रहा है, उसको बोल दे दादी आके सारा मुहूर्त बिगाड़ देगी। सर सर आप गलत जा रहे हैं सर, लेकिन सर आप अपनी टेबल की तरफ नहीं, आप प्यारी की टेबल की तरफ जा रहे हैं सर। क्योंकि मैं प्यारी की ही टेबल की तरफ जा रहा हूँ। इनके कैरेक्टर तो मतलब क्या बताऊं, मेरी समझ के परे है यार। तो इसलिए चबड़ा सी है। प्यारी प्यारी है यहाँ पर? साजन जी आप यहाँ पे? हेलो प्यारी। हाँ। भूपेश कहाँ है प्यारी? भूपेश जी तो यहीं कहीं थे, कहाँ गए? क्यों गए जी भाई? अच्छा ओके, एक मिनट रुकना है ना प्यारी, वो घंटा अगरबत्ती की जो फाइल है। हाँ। वो लेके आओ। अच्छा अभी लेके आते हैं। अच्छा क्या हो गया? रुक तो सही, के हो गया के हो गया, तेरे गाल कहाँ है ये बता, चूमने मुझे। ये रे मारे गाल। ये तने मारे गाल क्यों चूमने हैं? तुम रास है मार रास है? मार रहा हूँ। मार क्यों रास है? क्योंकि तूने 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 बटन क्यों दबाया दबाया इमरजेंसी अलार्म का क्यों
बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? आपको मेरी शादी की चिंता हो रही है क्योंकि मेरी उम्र निकली जा रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी उम्र निकली जा रही है। ओ अच्छा। क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था कि तुम्हारी शादी होने के बाद मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा। हाय कश्मीरा, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। आई एम गुड संजना, मैं तो एकदम फिट हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। कश्मीरा तो पूछो कि वो कैसी है? प्लीज कुछ तो कॉन्वर्सेशन आगे जाने दो पापा। तुम कैसी हो कश्मीरा? आंटी जी कैसी है? मम्मी मम्मी तो एकदम कूल है। आंटी जी स्कूल पूछो रही कश्मीरा जरा संजना से कि वो कैसे हैं? चुप रहो ना यार थोड़ा। संजना छेदी अंकल कैसे हैं? पापा इज आल्सो कूल। कूल है अंकल भी आपकी तरह। मैं क्या बोल रही थी संजना कि आज रात को डिनर पे आ जाओ। Yes, I would love to. तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, especially तुम जो वो बादाम का हलवा बनाती हो ना, I love it. कश्मीरा बेटा, ये बादाम का हलवा सिर्फ संजना को ही खाने को मिलेगा। अरे नमस्ते छेदी अंकल। हेलो। आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप आ जाइए ना। आ गए। तेरी कश्मीरा, ये दिवाली के घर की साफ सफाई तू अकेली कर लेगी क्या? अरे यार मम्मी, मेरे अलावा कौन है इस घर में, मुझे ही करना है। सॉरी जीजी, मैं थारी मदद ना कर सकता, हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। हाँ तेरा तो दिवाली के दो तीन दिन पहले से ही मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। एरी कश्मीरा, अगर भोपू के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है तो उस दामाद के बच्चे को बोलना, वो तेरी हेल्प कर देगा। अरे वो कोई मदद करने वाली पार्टी है क्या मम्मी? हाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं मदद करने वाली पार्टी। ये तो है, ये पार्टी जो बैठी है ये तो मदद कर सकती है ना, इनका बहुत बढ़िया हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड तो नवाब साहब का था, तभी हाथों के बल भाग गया वो आपसे पीछा छुड़ा के। तेरी कश्मीरा, कह दे रे इससे, अगर मेरे कमर में लचक नहीं आई होती तो मैं तेरी हेल्प कर देती। ओहो तो क्यों मटका के चलती हो इस उम्र में अपनी कमर कि लचक आ गई? और मटकाओ। और पहली चीज, इसको कमर नहीं बोलना तुम्हारा, ये कमरा है। देख रही है कश्मीरा? संजू यार, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना तो फालतू की बातें मत किया करो, जाओ। क्या हो गया बेबी, क्यों ऐसे गुस्सा हो रही है यार तुम त्योहार वाले दिन? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा ना तुम्हारी मदद, मैं करूंगा बेबी। भले मैं अधमरी हालत में आऊँ ना ऑफिस से काम करके थक के, तब भी मैं ये सारे काम करूंगा, भले किसी की मांसपेशियां खिंच जाए, किसी की कमर टूट जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेबी, मैं हूं ना, अब जाओ। अच्छा सुनो ना, दिवाली पे गिफ्ट क्या दे रहे हो मुझे? बोलो क्या चाहिए? हार का सेट। डन, इस बार जो बोनस आने वाला है ना मेरा, पूरा तुम्हारा। एरी कश्मीरा, कह दे रही इससे, हार का सेट पूरे 5 लाख का आता है और इसकी सैलरी और बोनस दोनों मिला के उसके आधे भी नहीं होंगे। कम पड़ेंगे ना, तो मेरे पास बहुत चीजें हैं नजर में पिघलवाने के लिए, सब पिघलवा दूंगा, ये जो किसी काम नहीं आ रहा है। अरे यार जाओ तुम जाओ, और ये पोछे का पानी फेंकते हुए जाना बाहर। नहीं मैं पूरा तैयार हूँ।
हेलो, नहीं चाहिए। अबे समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं चाहिए ना लोन, बोल रही है ना एक बार हैं? दे अभी, दे चल, कर कर अभी अभी ट्रांसफर कर, करना बे। हाँ तो तूने फोन किया ना, तुझे खुजली है ना लोन देने की, तो दे अभी के अभी दे। तू एक बार मुझे मिल जा, मैं तेरी ना खाल खींच लूंगा, बता रहा हूँ मैं। निकालता हूँ बेटा तेरी लोकेशन, रुक। क्या हुआ साजन जी, भूपेश जी को डांट रहे हैं क्या? नहीं नहीं, भूपेश को डांटता थोड़ी ना, उसको तो रगड़ देता हूँ। लातों के भूत बातों से थोड़ी ना मानते हैं प्यारी, ये तो लोन वाले परेशान कर रहे हैं। लगता है आपको इन लोन वालों से नफरत हो गया है ना? अरे मैडम, आप नफरत की बात कर रही हैं? हम दोनों भाई पहले लोन एजेंट ही थे, क्यों भाई? हाँ? अरे बहुत जूते खाए हम दोनों भाई ने। अरे ठीक है। अरे मैडम एक बार पता है क्या हुआ, हम दोनों भाई को ना एक आदमी ने बिना कपड़ों के दौड़ा दिया था, याद है साजन? याद है। तू किस लिए आया तू? अरे हाँ साजन, मैं तो भूल गया था भाई, आज शाम को पार्टी है। देख प्यारी, जरा बाहर देख के आओ ना, सब लोग आ गए क्या ऑफिस में? जरा एक चक्कर मार लो, हम लोग थोड़ी सी 2 मिनट पर्सनल बात कर रहे थे। ठीक है, हम आते हैं। ओके, प्लीज टेक केयर, बाय। लड़की बैठी हुई तो ये दिखाई नहीं दे रही है ऑफिस में, ये फोटो निकाल रहा है तू? यहाँ सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी तेरी वजह से। I'm sorry यार, लेकिन मैं तो यार पार्टी की बात कर रहा था, मैं फालतू बात थोड़ी कर रहा था। बेटा तेरा मेरा और बटूटा का फेवरेट ब्रांड है बे। ऐसा है, ये ब्रांड ले जाए यहाँ से, तुम दोनों मिलके ना गटक लेना रात को, आज मैं आ नहीं पाऊंगा यार। क्यों भाई, भाभी के साथ कहीं बिजी है क्या? तो आज मुझे मैडम ने रात को अपने घर बुलाया है। ओए होए होए, किस लिए? बच्चा है क्या छोटा, अभी पैदा हुआ है क्या? लड़की है यार, और अकेली है, और अकेली कुंवारी लड़की ना एक खुले बटुए की तरह होती है, समझ रहा है? वो रात को ऐसे मर्द को बुलाती है जो उस स्पर्श को स्पर्श करना चाहता हो। ओए 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 साले साजन, तेरी तो यार मौज ही मौज है कसम से। रेस की क्या जरूरत थी? अरे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है ना भूपेश जी, ये संतरे का जूस बना के पियेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये ना जो हमारे नजफगढ़ वाले एक मौसा जी है, उनका खास फॉर्मूला है। मैं सोच ही रहा था तने नजफगढ़ का जिक्र कैसे ना किया। लड़की अच्छी है, हमसे तो किसी ने मिलवाया ही नहीं। मिलवा देंगे ना यार मम्मी, हर चीज की जल्दी देती है आपको। हेलो 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 हेलो, मारी दीदी। नमस्ते दीदी, कैसी हो? बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। अरे कौन आया है मेरे बेटे से मिलने? मारी मम्मी से। अरे माता जी प्रणाम। कुछ रहो कुछ रहो, बैठो बैठो। हम प्यारी हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है। वाओ, ये क्या यार? ओ मैडम का स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बहुत सॉफ्ट है यार ये तो। रख देता हूँ यार, मैडम ने देख लिया तो मुझे पैंट बजा देगी। Mr. Sergeant! Oh no, oh no, oh no. Hi. The room is smelling nice, Mr. Sergeant. I believe the job is done. Okay, chua nipta diya madam. Nipta diya? Lovely, lovely. Haath dho diye? Haan. Okay, okay, main aapko moisturizer deti hu, Mr. Sergeant. Moisturizer lagana bahut zaruri hota hai. Ta-da! Aiye, haath aake kijiye. Feel wet moisturizer. अगर मुझे अगर ये पड़ा रह जाए तो पड़े पड़े सफेद हो जाता पानी जैसा? नहीं तो नहीं, वो सेम बॉटल मैंने आपके कबर्ड में देखी हुई थी, बिल्कुल पानी जैसा था उसमें। आई होप आपने वो यूज तो नहीं किया मिस्टर साजन। नहीं नहीं, देखा था सिर्फ।
थैंक गॉड। एक्चुअली क्या हो गया, एक ग्लू का बॉटल था वो चटक गया था, तो पापा ने ऐसी एक खाली बॉटल थी उसके अंदर ग्लू भर दिया और वो ग्लू मैंने उधर रख दिया। थैंक गॉड आपने वो यूज नहीं किया मिस्टर साजन, वो ग्लू बहुत ही खतरनाक है, सब कुछ खतरनाक चिपक जाता है। आई नो। एनीवे मिस्टर साजन, दैट्स योर मॉइस्चराइजर, इसे यूज कर लीजिए और डाइनिंग टेबल के पास आ जाइए, पापा ने हम सब के लिए सूप बनाया है। I myself in a very deep soup, madam. संजू चीखे क्यों तुम? भाभी जी मैंने आपको बताया था ना कि कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ये कब्ज की चीख थी। इट्स पेनफुल भाभी जी। ये खिलौना हमें बेवकूफ बना रहा है। संजू तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊं? पापा, यू मेक द बेस्ट हॉट एंड सावर सूप हमेशा। बेटा तुम्हें पता नहीं है शायद, मैं जब एक होटल में वेटर था तब मुझे एक शेफ ने हॉट एंड सावर सूप बनाना सिखाया था। रेसिपी तो शेयर करते नहीं आप मेरे साथ पापा। बेटा बता दूंगा, डोंट वरी। ओ यो हा मिस्टर साजन, कम 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 कम, आइए आइए बैठिए मिस्टर साजन। वाह मिस्टर साजन, मुझे पता लगा कि आपने चूहे की लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया। वेल डन मिस्टर साजन, वेल डन, वेल डन। मम्मी उठा ले भाई, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। कह दे रही इससे, अगर ये बाहर नहीं आएगा तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। अरे भाभी दरवाजा नहीं तोड़ना प्लीज। मैं 5 तक गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अरे आंटी आराम से। अरे भाभी रोको ना। मुझे पता था यही होना है। संजू कहाँ है? भाभी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इतनी देर से अंदर था। खिलौनी को जरूर पता होगा। मुझे कैसे पता होगा बे, मुझसे पूछ के बाहर जाता है क्या वो? संजू कहाँ है ये आप दोनों को नहीं पता? अच्छा जिंदा है? ऑफ कोर्स जिंदा है भाभी। ठीक है देखते बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। रात को तो बकरे को घर में ही आना है ना? और फिर दादी क्या करती है ये सोचकर तो मेरी रूह कांप रही है। मेरी भी। मेरी भी कांपनी भी चाहिए। यार साजन वहां मैडम के घर पे ऐश कर रहा होगा यार, और उसके चक्कर में उल्टा सीधा हमको सुनना पड़ता है। यार भाभी ने मेरी भी तो औकात निकाल के रख दी उस संजू की वजह से। तुम दोनों ना लेमन चूस लो सालो। अबे सायन तू इतनी जल्दी आ गया? बस तू थोड़ी देर में ही थक गया। जैसी गंदी गंदी कहानी अपने दिमाग में तुम दोनों यहाँ बैठ के बना रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैडम ने मुझे अपने बेडरूम से एक मरा हुआ चूहा निकलवाने के लिए बुलवाया था। हाय बेबी। हाय कैसे हैं जनाब? मीटिंग में हूँ,
आज दिवाली का दिन है, पत्ते नहीं खेलेंगे? मैं तो अपना सब कुछ हार जाना चाहता हूँ तुम पे। फिकर मत कीजिए, सब कुछ हरवा के ही भेजेंगे। What? With pleasure. Oh, उनका फोन था। किसका? मोहतरमा का। आ, फिर तो शाम को बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया होगा। नो नो, अरे दिवाली है, बच्चों के साथ घर पे ताश खेलेंगे। गुपेश जी, आ रहे हम आपके घर। इसमें क्या नई बात है, कल भी तो आई थी। गेस्ट को कोई ऐसे इनवाइट करता है क्या? कितने का था मेरा सर? टू लेट। बेटा, इस हवन के बाद ना तुम्हारे अंदर मेघनाथ वाली शक्ति आ जाएगी। ये क्या करेगी इतनी शक्तियों का? इसको कौन सा युद्ध लड़ने के लिए जाना है? कुछ कह नहीं सकते दामाद जी। आपको पता है दुनिया आज की तारीख में बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। पता नहीं कहाँ से कोई तीली आए और इस बारूद को खाक बना दे। अरे मामा जी, लेकिन है कहाँ है बारूद का ढेर? अबे मामा जी कह रहे हैं तो होगा कहीं। अच्छा, चुप हो जाओ लड़को। अरे दामाद जी आओ आओ, बैठो इधर बैठो। बारूद के ढेर पे तो नहीं बिठा रहे ना मामा जी? नहीं नहीं नहीं, अब सब लोग मिलके विश्व शांति के लिए आहुति डालेंगे। आओ लो, लो संजय, आहुति डालो। अरे तुमने हाथ क्यों पॉकेट में डाले हुए हैं दामाद जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मामा जी, बहुत ठंड सी लग रही है। हाथ बाहर निकालूंगा ठंड लग जाएगी मुझे। समझा कीजिए, कल ऑफिस भी जाना है, वैसे दिल्ली का मौसम बहुत खराब चल रहा है अभी। ले लो ना थोड़ा। मैं मंत्र मंत्र बोलूंगा ना मामा जी, सामग्री तुम लोग डाल दो ना। योजी जी का यही काम से है, सांप के बिल में हाथ डालने को किसी और को बोलेगा और मंत्र खुद पढ़ेगा। लेकिन अभी तो इसने खुद ही बिल में हाथ डाले हैं। अरे दामाद जी, कहीं हाथ में नाग ना आ जाए, निकाल लो बिल से, हाथ निकाल। मामा जी समझा। नहीं नहीं, देखो बेटा देखो, दो मिनट में कुछ नहीं जाएगी मामा जी। अरे निकाल यार तुम। क्या है ना कि ट्रैफिक तुम तो जानती हो। दिवाली हाँ। ओ, 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 क्या बता, इतनी आवाजें पटा हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मोहतरमो। हैप्पी दिवाली भूपेश जी। चल हट। अगर पूजा हो गई हो तो लेट्स प्ले कार्ड्स। गो मामा जी, मामा जी पत्ते खेलोगे क्या? लगा लो। अरे लेकिन वो तो आप तो जानती हैं ना। गुड गुड। कश्मीरा जल्दी आ जाओ, वी आर स्टार्टिंग विद द कार्ड्स। तो आज क्या दांव पे लगाएंगी आप? मैं अपना हुस्न दांव पे लगा दूंगी। मत लगाना, जीतने वाला दब के मर जाएगा। ए रे चिड़ी के गुलाम, कह दे रे इसे कि मुझे गुस्सा न दिलाए। नतीजे क्यों परेशान कर रहा है मम्मी को? बुरा ना मानो, दिवाली है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली साजन जी। हैप्पी दिवाली एवरीवन। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी, भाभी जी साजन, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली।
कार्ड पार्टी, लेट्स जॉइन देम ना। आ जाओ आ जाओ बालू जी, इधर बैठ जाओ आ जाओ। मिस्टर साजन, आई मीन कैसे होस्ट हैं आप? क्या हो गया मतलब क्या हो गया? आप मेरी इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे अपने गेस्ट के साथ? आपको तो सब जानते हैं मैडम। कैसी बात कर रही है मैडम, आपको कौन नहीं जानता? मिस्टर साजन आपका गुणगान करते नहीं थकते। क्या फालतू की बातें कर रहे हो, कब कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो फालतू में? दिवाली मनाने या नौटंकी करने आए? मिस्टर साजन, आपने आपके पैंट के जेब में हाथ क्यों ऐसे, मतलब इज देयर अ प्रॉब्लम, समथिंग रॉन्ग? धक्का मार देगा मत बोल। नहीं मैडम, वो एक्चुअली क्या है कि ना, एकदम से मौसम बदल गया ना, ठंडा पड़ गया मौसम, तो मेरे हाथ ना अकड़ रहे हैं बाहर निकालने में, इसलिए मैंने जेब में रख के रखे। Come on, Mr. Sajan, you'll be fine. आपके अब कार्ड्स नहीं खेलने वाले हमारे साथ? I'm sorry, Mr. Sajan, अब आप ये ना कहिएगा कि आपको पत्ते खेलना नहीं आता। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा सर, मुझे आते हैं ना, इसलिए तो मामा जी मेरी तरफ से पकड़ने बैठे हैं। No, Mr. Sajan, प्लीज बहाने बनाना बंद कर दीजिए, आप शफल कीजिए कार्ड्स को, आपके हाथ अपने आप गर्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये हम सबको शफल कर देगा, मैं कर रहा हूँ।